Good evening to all the MSC third semester students and welcome to all of you. Today we will discuss about the isolating mechanism or mechanism of reproductive isolation. This is the topic of unit, unit fourth of your paper. Unit fourth is a genetics of speciation and uh, it has three topics. First is a phylogenetic and biological concept of species, second is a mechanism of reproductive isolation.

सेप्रेशन होता है या फिर सेग्रीगेशन अलग होना आइसोलेट होना तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म का क्या मतलब हुआ कि ऐसे ही फैक्टर्स या ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे एजेंट जो कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स को आइसोलेट करें या फिर सेपरेट करें ताकि वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो दूसरे पॉपुलेशन के मेंबर्स के साथ रिप्रोडक्शन ना कर पाएँ मतलब दो डिफरेंट पॉपुलेशन कि इंडिविजुअल्स के बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल ना हो तो ऐसे मैकेनिज्म को या ऐसे फैक्टर्स uh, को हम क्या बोलते हैं आइसोलेटिक मैकेनिज्म ठीक है तो यहाँ पे uh, जो है आइसोलेटिक मैकेनिज्म मींस होता है द फैक्टर्स दैट प्रिवेंट जीन एक्सचेंज जीन एक्सचेंज आप समझ रहे हैं जीन फ्लो जीन फ्लो तभी होगा जब जो है दो डिफरेंट पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में मैटिंग होगी और मैटिंग ही अगर पॉसिबल ना हो दो डिफरेंट पॉपुलेशन के इंडिविजअल्स आइसोलेट हों सेपरेट हों अलग अलग हों उनमें प्रोडक्शन पॉसिबल ही ना हो जीन एक्सचेंज ना हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं आइसोलेटिंग मैकेनिज़म तो फैक्टर्स दैट प्रवेंट जीन एक्सचेंज एमंग पॉपुलेशन आर कॉल्ड आइसोलेटिंग मैकेनिज़्मे आप समझ रहे हैं मेरी बात की एक्चुअली जो आइसोलेटिंग मैकेज़म है वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जो है दो डिफरेंट पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में रिपोडक्शन को प्रिवेंट करते हैं या जीन एक्सचेंज को जो है वो प्रिवेंट कर रहे हैं ओके दिस टर्म वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूसड बाई द जो है इंट्रोड्यूसड बाई डोबेजेंसकी साइंटिस्ट एंड ही वॉज डिफाइंड एनी एजेंट दैट हाइंडर्स इंटरब्रीडिंग ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओके आई सीट टू डिफाइन एनी एजेंट that hinders the interbreeding of group of individuals okay now the this is a chart to show the species having three types of barriers okay kisi bhi species mein aapko topic hai hai vala, unit hai genetics of speciation तो जेनेटिक्स ऑफ स्पेशन में स्पेसी मींस क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीस या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज यहाँ पे स्पसीज फॉर्मेशन में आपका जो है किसी भी स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थ्री बैरियर्स होते हैं पहला बैरियर जो आपका है वो ज्योग्राफिकल बैरियर है दूसरा आपका जाइगोटिक है और तीसरा क्या है पोस्ट जाइगोटिक है यहाँ पे आप जियोग्राफिकल बैरियर समझ रहे हैं तो डिफ तो डिफरेंट तो तो रीजन्स में रह रहा हूँ पॉपुलेशन तो उनके बीच मैटिंग पॉसिबल नहीं है दूसरा आपका प्री साइगोटिक मीन्स कि उनमें जो है मैटिंग पॉसिबल ही ना हो फर्टिलाइजेशन ही पॉसिबल नहीं है पोस्ट साइगोटिक का मतलब क्या होता है फर्टिलाइजेशन तो पॉसिबल हो गया पर गैमेट के मोर्टैलिटी हो जाएगी या फिर जो हाइब्रिड होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा ठीक है या हाइब्रिड के होगा स्टोराइल होगा तो आपको यहाँ पे यही पढ़ना है प्लीजाइगोटिक एंड पोस्ट बोथ आर द आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ओके एंड दिस क्रिएट अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड फाइनली दैट फॉर्म द स्पेशिएशन यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज यहाँ पे ये देखिए दिस इज अ चार्ट ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म आइसोलेटिंग मैकेनिज्म आपका बेसिकली दो टाइप्स का होता है पहला आपका जो है वही प्री जाएगोटिक अभी ऊपर आपने देखा प्री प्रीजायकोटिक एंड पोस्ट प्री प्रीजागोटिक मतलब आपका जो है प्री मैटिंग और पोस्ट जायोटिक मतलब पोस्ट मैटिंग ठीक है तो यहाँ पे अब प्री जायोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में आपके चार फैक्टर्स हैं पहला आपका हैबिटेट ठीक हैबिटेट आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है में मतलब इकोलॉजिकल फैक्टर सीजनल विच इज़ नोन एज टेम्पोरल इथोलॉजिकल मीन बिहेवियरल एंड मैकेनिकल ये चार आपके जो है फैक्टर्स आते हैं कि इसमें प्रीजाइकोटिक में, प्री में यानी कि प्री मैटिंग आइसोलीटिंग मैकेनिज्म में आता है ये इसके बाद दूसरा आपका है पोस्ट जाएकोटिक पोस्ट जाएकोटिक में क्या होता है पोजैबिटिव मतलब कि पहली बात तो ये यहाँ पे जो ये दो स्टेप्स आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में अगर रिप्रोडक्शन हो जाता है पहले तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे जो है ये चार फैक्टर्स जो है प्रिवेंट करेंगे पहला प्लीज पीजाविटी मतलब प्री मैटिंग मैटिंग पॉसिबल ही नहीं होगी क्योंकि गैम उन दोनों के बीच में गैमेट का फ्यूज़न ही नहीं होगा क्यों क्योंकि पहला तो एक हैबिटेट डिफरेंट हैबिटेट हो सकता है दूसरा डिफरेंट सीजन की वजह से तीसरा डिफरेंट बिहेवियर जो है रीज़न होता है और जो है चौथा क्या होता है मैकेनिकल इशू होता है और अगर केस ये चारों चीज़ें नहीं इफेक्टिव होती हैं और मैटिंग हो जाती है यानी कि पोस्ट जाइोटिक कंडीशन हो जाती है अगर यानी कि जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो गैमेट होगा गैमेट मॉर्टेलिटी हो जाएगी क्योंकि दो डिफरेंट आपके पॉपुलेशन के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके बाद गैम मोर्टैलिटी अगर नहीं हुई तो जाइगोटिक मोर्टैलिटी हो जाएगी या हाइब्रिड जो है वो क्या होगा इनवीएबल होगा इनवीएबल का मतलब क्या होता है नॉट एबल टू सर्वाइव मीन्स अनहेल्दी ओके हाइब्रिड स्टेरिलिटी हाइब्रिड क्या होगा स्ट्राइल हो जाएगा मतलब वो रिप्रोडक्टिवली क्या होगा वो आपका फेलोर होगा एंड हाइब्रिड ब्रेकडाउन तो जो मेन आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म होता है ये आपके दो मेन मैकेनिज़म है जो कि जो है दो डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच जो है इंटरप्रिटिंग को प्रमेंट करते हैं अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं इसको सबसे पहले जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल भी है आपका एक मेन बैरियर जो कि जो है एक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म एक स्ट्रॉन्ग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है इसमें आपका देखिए जियोग्राफिकल आइसोलेशन अकर्स वेन द पॉपुलेशन कैन नॉट मेट बिकॉज ऑफ फिजिकल बैरियर फॉर एक्जाम्पल नॉर्थन स्पॉटेड आउल एंड मैक्सिकन स्पॉटेड आउल में आपका एग्जाम्पल है देखिए यहाँ पे दो एग्ज़ाम्पल दिख रहे हैं ये दोनों में आपका जियोग्राफिकल बैरियर है ये ये आपके आउल सेम स्पीसीज के हैं नॉर्थन स्पॉटेड आउल है और ये क्या है मैक्सिकन स्पॉटेड आउल है दोनों का जो है जो जियोग्राफिकल जो एरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पर है और ये यहाँ पर है तो अब इतने दूर दूर है इतना डिस्टेंस है इनके बीच में कि इनके बीच में मैटिंग पॉसिबल नहीं है तो ये क्या हुआ एक तरह से ये आइसोलेटिंग मैकेनिज़म हुआ कौन सा हुआ जियोग्राफिकल आइसोलेटिंग मैकेज़म नाउ ये नेक्स्ट जो मेन आपका pre -matting, pre -matting है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ये आपका प्री मैटिंग प्री मैटिंग और प्री जायोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म इसमें क्या होता है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म विच ऑपरेट बिफोर द फर्टिलाइजेशन ये कह सकते हैं विच ऑपरेट बिफोर द मैटिंग अब मैटिंग के पहले के, ऐसी कौन सी चीजें जो दो डिफरेंट पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में रिपोडक्शन को प्रिवेंट करती हैं पहला आपका हैबिटेट आइसोलेशन यानी कि इकोलॉजिकल आइसोलेशन मीन्स पोटेंशियल मेट्स डू नॉट मीट बिकॉज दे फ्लरिश इन द डिफरेंट हैबिटेट अगर डिफरेंट हैबिटेट में आपके जो है दो मेट आपके फ्लरिश, फ्लरिश हो रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं तो उनके बीच मैटिंग पॉसिबल नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल फाइव स्पीसीज ऑफ फ्लाई कैचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के जो पाँच स्पीसीज हैं फ्लाई कैचर मतलब बर्ड है uh, उनके जो फाइव स्पेसीज हैं जो कि जिनके बीच आपका पॉसिबल नहीं है मैटिंग क्योंकि तो वो डिफरेंट जो है हैबिटेट में रहते हैं डिफरेंट एरिया में रहते हैं फर्स्ट आपका है लीस्ट फ्लाई कैचर सीन इन द ओपन हुड फॉर्म एन ऑर्किड ये पहला जो है आपका है फ्लाई कैचर जो कि जो है सब नॉर्थ अमेरिका में ही रहते हैं पाँचों लेकिन पाँचों का जो एरिया है जो हैबिटेट है वो डिफरेंट डिफरेंट है इसलिए उनके बीच मैटिंग पॉसिबल नहीं है तो ये आपका हो गया सीन इन द ओपन हुड फॉर्म्स एंड ऑर्किड्स सेकेंड जो स्पीसीज है फ्लाई कैचर की एकेडियन फ्लाई कैचर विच इज़ फाउंड इन द डेसिडुअस फॉरेस्ट पर्टिकुलरली इन बीच ट्रीज एंड स्वैम्पी वुड्स इज द सेकेंड फ्लाई कैचर नाउ द थर्ड थर्ड फ्लाई कैचर इज अ एल्डर फ्लाई कैचर सीन इन द वेट टिकट्स ऑफ द एल्डर ट्रीज Fourth flycatcher, yellow bellied flycatcher. It is uh, found in the conifer woods. Okay. And last, fifth is a willow flycatcher. It is seen in the busy postures and willow tickets. This one. तो कहने का मतलब ये कि ये जो पांचों फ्लाई कैचर्स हैं ये नॉर्थ अमेरिका में ही हैं लेकिन डिफरेंट दिफरें डिफरेंट एरिया में रहते हैं ये इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रहने की वजह से इनके बीच मैटिंग क्या होता है पॉसिबल नहीं है तो दिस इज अ हैबिटेट आइसोलेटिंग ओके नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल आइसोलेशन द माउंटेन ब्लू बर्ड लीव एट हाई एलिवेशन while the eastern bluebird prefer low elevation ठीक है एक्चुअली जो आपकी ब्लू बर्ड है माउंटेन की वो बहुत ऊंचाई पे ऊपर रहती है और दूसरी बर्ड जो है मतलब कि डाउन में रहती है तो क्या होता है इनके बीच भी इकोलॉजिकल डिफरेंस है डिफरेंट हैबिटेट हो गया तो इनके बीच भी क्या होता है ब्लू बर्ड के बीच जो माउंटेन ब्लू बर्ड है उनके बीच भी मैटिंग पॉसिबल नहीं है तो ये क्या हुआ इकोलॉजिकल आइसोलेशन

मलोफिश है तो दोनों स्पीसीज में क्या है जो दोनों आपके हैं सेम स्पीसीज के जो आपके स्नैक हैं इसमें क्या हो रहा है कि एक वाटर ड्वेलिंग है एक वाटर में रहता है दूसरा कहाँ रहता है लैंड पे रहता है तो दोनों के तो बीच मैटिंग क्या है पॉसिबल नहीं है तो ये क्या हुआ इट इज़ अ हैबिटेट आइसोलेशन क्या कह सकते हैं इकोलॉजिकल आइसोलेशन ओके नाउ सेकेंड इज अ सेकेंड मैकेनिज़्म सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन सीजनल आइसोलेशन का मतलब कि डिफरेंसेस इन द ब्रीडिंग सीजन प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ पोटेंशियल इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पिस मींस जो ब्रीडिंग सीजन है सबका डिफरेंट डिफरेंट है तो इससे क्या होगा उनके बीच मैटिंग पॉसिबल नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल वुड फ्रॉग एंड लियोपॉर्ड फ्रॉग इन दोनों का जो मैटिंग सीजन है वो डिफरेंट होता है इसलिए वुड फ्रॉग और लियोपॉर्ड फ्रॉग में मैटिंग पॉसिबल नहीं होता है देखिए एग्जाम्पल देखिए ये दिस इज अ वुड फ्रॉक एंड दिस इज अ अड फ्रॉक वुड फ्रॉक ओके वुड फ्रॉक इट इज यूजअली मेड इन द लेट मार्च और अर्ली अप्रैल दैन वाटर टेम्परेचर इज अबाउट सेवन पॉइंट टू डिग्री सेंटिग्रेट लियोपॉर्ड फ्रॉक इट इज़ यूजली मेड इन द मिड अप्रैल वैन द वॉटर टेम्परेचर इज ट्वेल्व पॉइंट एट डिग्री सेंटिग्रेट तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है जो टाइमिंग का डिफरेंस है डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन होने की वजह से क्या हो रहा है इन दोनों के बीच जो है मैटिंग पॉसिबल नहीं होती है तो इसे हम बोलते हैं सीजनल आइसोलेशन ओके नेक्स्ट इथोलॉजिकल इथोलॉजिकल क्या कह सकते हैं बिहेवियरल इथोलॉजी जानते हैं स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर तो इथोलॉजिकल या बिहेवियरल आइसोलेशन क्या है इसमें आपका ये चीज़ डिफरेंसेस इन द कोर्टशिप बिहेवियर प्रिवेंट मैटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आप जानते हैं कि हर स्पीसीज का एक स्पेसिफिक जो है कोर्टशिप होता है उसके बाद वो मैटिंग करते हैं तो जो कोर्टशिप होता है या जो अट्रैक्शन प्रोसेस होता है वो आपका मेल फीमेल का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है तो मेनली जो कोर्टशिप में जो डिफरेंसेज है कोर्टशिप बिहेवियर में जो डिफरेंस होते हैं वो मैटिंग को प्रिवेंट करते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है चीफ चैफ़ वुड वार्बर एंड विलो वार्बर ये तीन स्पिसज़ हैं यहाँ पे बर्ड के जिसमें के बीच जो है क्या है मैटिंग पॉसिबल नहीं होती है ये देखिए यहाँ पे पहला आपका जो है ये जो है चिप सेफ और ये वुड वार्बर आ ये क्या है विलो वॉर्बलर ओके तो आपके तीनों के बीच में जो तीन वॉब तीन जो है वॉबलर्स हैं आर थ्री डिफरेंट स्पीसीज विच लुक्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम तीनों आपके सेम दिख रहे हैं बट दे डू नॉट इंटरब्रीड ड्यू टू डिफरेंस इन द मैटिंग सॉन्ग आप सबका मैटिंग सॉन्ग क्या है डिफरेंट डिफरेंट है ये दिख रहा है सबकी मैटिंग सॉन्ग क्या डिफरेंट डिफरेंट है तो जो फीमेल है वो अट्रैक्ट ही नहीं होगी जो पार्टनर्स को ये अट्रैक्ट नहीं कर पाते वो सबका डिफरेंट सॉन्ग होता है तो इसलिए जो है ये इनके बीच मैटरिंग पॉसिबल नहीं होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं बिहेवियरल आइसोलेशन मतलब इनका बिहेवियर ही क्या है डिफरेंट है नाउ सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर आइसोलेशन इज बिहेवियरल आइसोलेशन अकर्स द वीज कैन नॉट मेक मेट बिकॉज पैटर्न ऑफ कोर्टशिप में बी डिफरेंट टू द एक्सटेंट दैट सेक्सुअल यूनियन इज नॉट अचीव्ड इसमें आपका दूसरा एग्जाम्पल है फायर फ्लाइज़ का फायर फ्लाइज प्रोड्यूस पैटर्न ऑफ फ्लैश दैट अट्रैक्ट देअर मेट्स फायर फ्लाइज जानते हैं जुम्नू जुबनू जानते हैं ब्लिंक करता है ना लाइट जल्दी है जिसमें हम लोग बोलते हैं तो जो ब्लिकिंग होती है उसमें वो ब्लिकिंग होती है एक तो कम्युनिकेशन के लिए और दूसरा ये जो है आ, पार्टनर को अट्रैक्ट अट्रैक्ट करने के लिए भी होती है फॉर ब्रीडिंग तो इसमें जो है आपका ओवर टू थाउजेंड स्पीसीज ऑफ फायर फ्लाइज आर आइसोलेटेड बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ फ्लैशेज़ तो इसमें जो होता क्या है कि जो पैटर्न ऑफ फ्लैशज़ है प्रोड्यूस करने का वो अगर डिफरेंट होता है तो वो अपने जो है मेट को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं मतलब अगर दो डिफरेंट स्पीसीज़ हो फाइज़ की तो उनके बीच मैटिंग नहीं हो जो है पॉसिबल होती है क्यों क्योंकि जो है उनके बीच जो आ, वो जो फ्लैश लाइट है या कह सकते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है तो वो उनके दूसरे पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं करता है ओके okay? नाउ हॉर्ड एग्जाम्पल एज इन बर्ड दैट इज़ अ एंड वेस्टर्न मीडोलाक्स ठीक है इस्टर्न एंड वेस्टर्न मीडोलाक्स में है मेम्बर ऑफ द टू स्पीसीज विल नॉट मेट विद ईच अदर बिकॉज दे यूज डिफरेंट स्ट्रॉन्ग टू अट्रैक्ट द मेड्स ये दोनों आपके सेम दिख रहे हैं ये दोनों आपके सेम दिख रहे हैं देखने में सिमिलर है बस ये स्टर्न मीडोलाक है और ये क्या है वेस्टर्न है और दोनों के बीच में भी जो है मैटिक पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि ये डिफरेंट सॉन्ग यूज़ करते हैं टू तो अट्रैक्ट द मेट ओके दिस इज़ ऑल्सो एग्ज़ाम्पल ऑफ बिहेवियरल आइसोलेशन ओके दिस इज अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ एग्जाम्पल कोर्टशिप रिचुअल ऑफ ब्लू फूटेड बूबीज ये आपके जो है बेसिकली In this blue-footed boobies, also the courtship uh, pattern is different. Okay, now last is a mechanical isolation. Mechanical isolation: the body part of species may not physically match with those of other species that could otherwise be mates or pollinators. जैसे इसमें क्या होता है मैकेनिकल मीन्स क्या हुआ कि जो बॉडी पार्ट है इस का या फिर जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो दूसरे जो मैट है या दूसरे स्पीसीज़ के जो पार्टनर हैं उनके साथ मैच नहीं करता है ठीक है मतलब सुटेबल नहीं होता है जो है और ये आपके जो है एक तरह से मेन मैकेनिकल आइसोलेशन होता है उनके बीच मैटिंग को प्रिवेंट करने के लिए फॉर एक्ज़ाम्पल ब्लैक शेज़ एंड वाइट शेज़ यहाँ पे दो जो है आपके प्लांट हैं यहाँ पे ब्लैक शेज़ एंड वाइट शेज़ ग्रो इन द सेम एरियाज बट हाइब्रिड रेयरली फॉर्म बिकॉज फ्लावर्स ऑफ टू स्पेसीज हैव बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर द डिस्टिंक्ट पॉलीनेटर इन इन दो प्लांट को जो है दो डिफरेंट पॉलीनेटर चाहिए होते हैं एक होता है ब्लैक सेज फ्लावर आर पॉलीनेटेड बाय द स्मॉल बीज वेर एज वाइट सेज फ्लावर पॉलीनेटेड बाय द बिग बी ठीक है तो यहाँ पे ये लार्ज जो भी है इससे ये पॉलीनेट होता है और दूसरा क्या होता है यहाँ पे स्मॉल बीज के थ्रू जो है ये पॉलिनीटेड होता है तो इसलिए ये जो डिफरेंस है ये क्या हुआ मैकेनिकल आइसोलेशन हुआ ठीक है इनके बीच जो मतलब रेयर इनके हाइब्रिड जो है रेयर होते हैं ओके नाउ टू तो फोर्स हाइपोथेसिस इसी मैकेनिकल आइसोलेशन से रिलेटेड जो है एक टू फोर्स हाइपोथेसिस है टू तो फोर्स साइंटिस्ट की थ्योरी है वो है जेनाइटल और मेचर्स एक्ट लाइक अ लॉक एंड की एंड प्रिवेंट हैबिटाइजेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज़ फॉर एग्जाम्पल ड्रासोफिला जैसे दो डिफरेंट अगर स्पेसीज़ के एनिमल्स हैं मेल और फीमेल हैं तो उनका जो जेनेटल ऑर्गन है वही आपका जो है मैच नहीं करेगा मतलब वही आपका जो है कंफर्टेबल नहीं होगा मतलब मिस मैच होगा और फिर मैटिंग पॉसिबल नहीं होगी यहाँ पे मतलब उनके जो यूनाइट ऑर्गन है उसमें डिफरेंसेस होंगे जैसे फॉर एग्जांपल स्नेल में मैकेनिकल इन इनकम्पैटिबलिटी इन द स्नेल स्नेल में जो है क्या होता है दो डिफरेंट अगर हम स्नेल की बात करें स्पीसीज़ की तो उनमें जो है जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो पेनिस है या जो कॉपलेटिव ऑर्गन है वो आपका जो है डिफरेंट स्पीसीज़ में मिस मैच होगा मतलब वो इनकम्पैटबल होगा और इससे क्या होगा मैटिक पॉसिबल नहीं होगा ओके okay? मैकेनिकल इनकम्पैटबलिटी दस इज मैकेनिकल इनकम्पैटेबिलिटी अकल्स वैन द स्पसीज कैन नाट मेड बिकॉज देर रिपोर्टिव स्ट्रक्चर्स आर इनकम्पैटेबल मतलब आर नॉट मैच मैच नहीं करते और वो इनकम्पैटिबल होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उनमें मैटिंग पॉसिबल नहीं है मतलब रिप्रोडक्शन पॉसिबल ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में टू मैट बट फेल बिकॉज दे आर एनाटोमिकली इनकम्पेटेबल एंड ट्रांसफर ऑफ स्पॉम इज नॉट पॉसिबल ओके इन द एनिमल्स विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल सेक्शुअल ऑर्गन में नॉट फिट दो आप समझ बात करिए इसमें जो है मैकेनिकल इनकम्बेटिबिलिटी का मतलब होता है कि एनिमल्स में जो है जो जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उस मेल फीमेल सेक्शन ऑर्गन्स मतलब फ़िट होने चाहिए मैटिंग के लिए अगर वो आ, जो है फ़िट नहीं है तो उनमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल स्नेल ऑफ स्पसीज हु सेल्स हैव लेफ्ट हैंडेड स्पायरल्स मे बी अनेबल टू सक्सेसफुली कॉपरेट विद स्नेल हुज़ सेल्स हैव राइट हैंडेड स्पैरल मतलब अगर लेफ्ट हैंड हैंडेड अगर कोई स्पैरल सेल uh, है उसके साथ जो है राइट हैंडेड स्पायरल सेल वाले जो स्नेल हैं उनके बीच मैटिंग पॉसिबल नहीं है ओके नाउ अगेन एंड एग्जाम्पल रेड एंड ब्लैक सी अर्चिन लीव इन द सेम लोकेशन बट रिलीज देअर गैमिट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर ये भी एक और फैक्टर है जिसमें आपका मैकेनिकल इनकम्पेटिबलिटी का एग्जाम्पल है ये जो आपके रेड और ब्लैक सी अर्जिन है ये आपके दोनों जो है सेम लोकेशन में रहते हैं पर इनके बीच जो है मैटिंग पॉसिबल क्यों नहीं है क्योंकि जो है इनके जो गैमिट्स हैं डिफरेंट टाइम पर रिलीज़ होते हैं तो इनके बीच जो है पॉसिबलिटी नहीं है मैटिंग की तो ये क्या हुआ मैकेनिकल आइसोलेशन के okay. इसमें आपका जो है ये जो पॉइंट है इसको आप क्रॉस कर देंगे ये कुछ नहीं है ओके okay. केवल आप इस एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे सी के एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे नाउ सेकेंड आपका मेजर आइसरेटिव मैगजिम कहता है पोस्ट मैटिंग अभी तक आपने पढ़ा कि मैटिंग ही पॉसिबल नहीं है प्री मैटिंग पढ़ा प्री मैटिंग या प्रीजायगोटिक मैगजम पढ़ा अब अगर मान लीजिए कि ये चारों जो कंडीशंस आपने पढ़ी अभी ऊपर की इथोलॉजिकल बिहेवियरल इकोलॉजिकल सीजनल इस अगर ये कंडीशंस आपकी uh, मान लीजिए अप्लाई नहीं हो और मैटिंग हो जाती है एनी हाउ दो डिफरेंट स्पीसीज के पीछे मैटिंग हो जाती है तो उसके बाद अब क्या होगा पोस्ट मैटिंग या फिर पोस्ट जाइगोटिक मतलब जाइोट बनने के बाद अब क्या दूसरा कौन सा आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है जो अप्लाई होगा पोस्ट मैटिंग मीन्स क्या होता है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म विच ऑपरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओके नाउ अगर पहले कंडीशंस आपकी जो है ज़ीरो हो जाती है उसका इफेक्ट हम जीरो कर दें मानिए मान, मान लीजिए इन केस की मैटिंग पॉसिबल हो जाती है दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में तो पहला आपका क्या होगा गैमेट mortality हो की मोर्टैलिटी हो जाएगी मतलब गैमेट ही उसमें सर्वाइव नहीं करेगा इन दिस मैकेनिज्म इंटर स्पेसिफिक क्रॉस डिस्ट्रॉय आइदर दम और एग अगर मैटिंग हो भी गई या हाउ तो क्या होगा इसमें जो है स्पोम या एग क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस्पोम एनकाउंटर एंटीजेनिक रिएक्शन इन जेनेटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल विल बी इमोबलाइज एंड किल्ड बिफोर इट हैज़ अ चांस टू रीच एग फॉर एग्जाम्पल इंसेमिनेशन रिएक्शन इन द ड्रोसोफिला ठीक है इंसेमिनेशन रिएक्शन इन ड्रोसोफिला इसके बाद नेक्स्ट दूसरा अगर फ्यूज़न हो ही गया और जायगोट की फॉर्मेशन जायगोट का फॉर्मेशन हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है जायगोट मोर्टेलिटी एंड हाइब्रिड इन द अगर एग फर्टिलाइज हो गया बाय द स्पर्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज तो जायगोट का फॉर्मेशन होगा और तब क्या होगा द एग इज़ फर्टिलाइज बट जायगोट आइदर डज नॉट डेवलप आर डेवलप इंटू एन ऑर्गिज्म विथ रिड्यूज वेबिलिटी वेबिलिटी मैंने आपको बताया मीन्स अनहेल्दी ठीक है या फिर बोल सकते है, हैं आपका एक तरह से वीएबिलिटी का मतलब होता है इनवीबिलिटी का मतलब होता है नॉट एबल टू सर्वाइव मतलब वो सर्वाइव करने के लिए एबल नहीं होंगे अगर वीबिलिटी रिड्यूस हुई मतलब वो अनहेल्दी होंगे वो आगे सर्वाइव नहीं करेंगे तो यहाँ पे जाइवोड या तो जो डेवलप नहीं करेगा चाईवोड डाई हो जाएगा या फिर अगर वो डेवलप करता है तो जो हाइब्रिड होगा वो क्या होगा इनवीएबल होगा मतलब वो सर्वाइव नहीं करेगा आगे इसमें आप देखिए एक एग्जाम्पल देखिए हाइब्रिड इनवेबिलिटी का एग्जाम्पल है इफ़ इफ़ द शिप एंड गोट मेड देन हाइब्रिड जाइगोड डाई बिफोर द बर्थ अगर शिप और गोट के बीच मैटिंग कराते हैं तो जो हाइब्रिड होता है जायोग वो जो है बर्थ के पहले ही डाई कर जाता है द क्रिएशन ऑफ एन अनसक्सेसफुल हैब्रिड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पोस्ट जाइगोटिक पैरियर ओके एंड नेक्स्ट क्या है आपका हाइब्रिड स्टेबिलिटी और अगर मान लीजिए हाइब्रिड जो है आपका नॉर्मल रहा मान लीजिए वो डाई नहीं किया नॉर्मल रहा तो क्या होगा वो स्टराइल हो जाएगा तब क्या होगा वो स्टाइल तो वो डेवलप नहीं करेगा और डेवलप हो गया अगर हाइब्रिड डाई नहीं किया मान लीजिए डेवलप कर गया तो वो फर्टाइल नहीं होगा क्या हो जाएगा स्टराइल होगा हाइब्रिड हैज़ नॉर्मल वेबिलिटी बट इज़ स्टराइल फॉर एग्जाम्पल आपका म्यूल एग्ज़ाम्पल है ना हाइब्रिड स्टाइलिटी इज कॉमन इफ़ टू पेरेंट स्पीसीज हैव डिफरेंट क्रोमोजोम नंबर ठीक है क्रोमोजोम नंबर म्यूल के केस में देखिए इसको बोलते हैं ना खच्चर ये देखिए आपका यहाँ पे ये फीमेल हॉर्स है ये मेल डोंकी है इनके जो हैब्रिड होंगे क्या बोलेंगे इनको म्यूल बोलते हैं म्यूल म्यूल जानते ना खच्चर जो मेनली जो है लोडिंग का काम करते हैं तो फीमेल हॉर्स में आपका पर क्रोमोजोम में क्या होता है सिक्सटी फोर होते हैं और मेल डोंकी में क्या होते हैं सिक्सटी टू होते हैं तो जब क्रोमोजोम का सेग्रीगेशन यहाँ पर नहीं हुआ कितना हो गया यहाँ पर सिक्सटी थ्री तो सिक्सटी फोर और सिक्सटी टू क्या हो गया ये आपका प्रॉपर सेगरी इक्वली सेग्रगेट नहीं हुआ ग्रोमोसूम जो नंबर है तो इससे क्या होगा म्यूल डेवलप हुआ है जिसको बोलते हैं ना खच्चर ना वो प्योरली डोंकी हैं ना वो हॉर्स ही हैं प्योरली तो स्टोराइल तो क्या होंगे म्यूल क्या होते हैं स्टोराइल होते हैं बिकॉज सिनाप्सिस एंड सेग्रीगेशन कैन नॉट अकर प्रॉपरली ओके यहाँ पे देखिए सेम ये चीज़ है हेबिट स्टेलिटी वह एग्जाम्पल बता रहे हैं ऊपर ये यहाँ पर मेल डॉकी है एंड फीमेल हॉर्स के बीच तो म्यूल डेवलप होता है और ये क्या होगा हेल्दी तो होगा लेकिन क्या होगा ये स्टराइल होगा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ठीक है नाउ द लास्ट इज हाइब्रिड डाइटा ओके इवन दो वीएबल एंड फर्टाइल हैबिट अगर मान लीजिए आपका जो है जो हैब्रिड है वो फर्टाइल हो गया मतलब वीएबल हो गया ठीक है हेल्दी हो गया बिटवीन द टू स्पीसीज आर ऑप्टेन सम बैरियर्स स्टिल एग्जिट्स इफ हैबिट ऑफ सेकेंड जनरेशन आर फ्रॉम बैक क्रॉस ऑफ एफन हैब्रिट टू पेरेंटल स्पीसीज आर इनवेबल मतलब समझ में आ रहा है आपको ये कि अगर मान लीजिए हाइब्रिड भी आपका अवेबल हो गया और इस्टराइल मतलब फ़र्टाइल हो गया अभी तो म्यूल था मतलब वो था स्टोराइल था बट मान लीजिए कि वो हाइब्रिड डेवलप कर गया और वो अएबल भी हो गया है मतलब हेल्थी भी हो गया और फर्टाइल भी हो गया तो जो उसकी सेकेंड जनरेशन है वो आपकी जो है क्या होगी फर्टाइल नहीं होगी ठीक है मतलब हर स्टेप पर बैरियर है ओके इसमें पर एग्ज़ाम्पल देखिए ड्रासोफिला जो है इसमें ड्रोसोफिला का दो एग्ज़ाम्पल है आपके ड्रोसोफिला के एग्जाम्पल दो स्पेसीज के बीच में मैटिंग कराते हैं ड्रासोफिला सीडोप्यूरा एंड ड्रोसोफिला परसिमिलेस यहाँ पे देखिए ये ड्रोसोफिला के दो स्पीसीज दिख रहे हैं आपको ये पहला आपका है ड्रॉसोफिला सीडोब्सक्योरा एंड दूसरा क्या है ड्रॉसोफिला परसिमलिस इन दो स्पीसीज की मैटिंग कराते हैं तो एफ़ वन जनरेशन में फ़र्टाइल फीमेल प्रोड्यूस होती है ठीक है और ये स्टराइल मेल प्रोड्यूस होते हैं देखिए यहाँ पे अब फर्टाइल फीमेल को पेरेंट्स के साथ अगर हम जो है क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलता है हाइब्रिड वीकर देन द दे पेरेंट एंड एफ़ हाइब्रिड तो अब सेकेंड एफ़ टू जनरेसन में क्या होता है मैंने आपको बताया कि अगर एफ जनरेशन में सब कुछ ठीक भी रहता है तो भी एफ़ टू जनरेशन में क्या होता है जो हैब्रिड है क्या होगा वो वीक होगा यानी अनहेल्दी होगा ठीक है ये यस तो यहाँ पे हर स्टेप पे मतलब बैरियर्स हैं इसके बाद अब जो है एक तरह से आपने जो ये पढ़ा है आइसोलेटिंग मैगनीज़म उसमें क्या आपने देखा कि आइसोलेटिंग मैगनीज़म में आपका जो है एक तो पहले दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में मैटिंग पॉसिबल ही नहीं है ठीक है उनका बिहेवियर डिफरेंट है या फिर उनका जो कोर्टशिप पैटर्न है वो डिफरेंट है डिफरेंट सीजन रिस्पॉन्सबल है किसी का जो ब्रीडिंग सीजन आपका समर है किसी का विंटर है ठीक है किसी का रेनी सीजन है तो ये सब बैरियर्स हैं या फिर किसी का जो जेनेटल ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच नहीं कर रहा है और जो है किसी में आपके जो है बैरियर्स हैं तो ये जो सारे हैं ये आपकी मैटिंग को पॉसिबल नहीं होने देते हैं केस अगर जो है हावर मैटिंग पॉसिबल हो भी जाती है तो फिर उसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं होता या तो गैमेट ही आपका सर्वाइव नहीं करेगा दूसरा अगर गैमेट आपका फर्टिलाइजेशन हो भी गया गैमेट का फ्यूज़न हो भी गया तो जाइगोड आपका टाई कर जाएगा और जाइगोड अगर डेवलप कर गया तो जो हैब्रिड है वो क्या होगा इनवीएबल होगा ठीक है दैट मीन्स हैब्रिड इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव सर्वाइव नहीं करेगा और अगर वो सर्वाइव कर भी गया और जो है तो वो स्ट्राइल होगा और अगर स्ट्राइल की जगह वो फर्टाइल भी हो गया डेवलप भी कर गया और वो अच्छे से हेल्दी हुआ फ़र्टाइल भी हुआ तो जो एफ़ टू जनरेशन है वो आपके जो है वो आपकी एफ़ टू जनरेशन आगे कंटिन्यू नहीं होगी ओके okay? तो यहाँ पे आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ऑलवेज हैव अ पार्शली जेनेटिक बेसिस ठीक है फॉर वास्ट मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स इट इज़ स्टिल नॉट नोन विच पर्टिकुलर मैकेनिज्म प्रिवेंट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फ्रॉम इंटरब्रीडिंग हमने यही पढ़ा भी एंड कोएक्शन क्या है इफ़ वन आइसोलेटिंग मैकेनिज्म फेल्स एंड एंडर मस्ट ओवरकम अभी आपने देखा कि अगर एक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म फेल हो रहा है तो दूसरा तुरंत जो है क्या हो रहा है वो आपका आ जा रहा है कि अगर मैटिंग हो गई पहले मैटिंग नहीं हो पाएगी और मैटिंग अगर पॉसिबल हो भी गई ये नहीं हाँ। तो गैमेट ही आपका जो है सर्वाइव नहीं करेगा गैमेट डाई कर जाएगा और गैमेट डेवलप कर गया तो चाइवोड नहीं डेवलप करेगा ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अगर एक आइसोलेटिंग मैकेजम का फेल हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है एदर मस्ट ओवर कम ये क्या है ये आपका समेराइज फॉर्म है पूरा जो आपने पढ़ा अभी तक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का जो मैकेनिज़्म है इसमें देखिए आपका इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज है ये डिफरेंट स्पेसीज है सेम नहीं सेम सब कुछ मैच करेगा जो डिफरेंट स्पीसीज है उनके बीच इतने बैरियर्स हैं अब इसमें पहला आपका प्रीजायबोटिक बैरियर्स प्रीजागोटिक मीन्स आपका जो है बिफोर द मैटिंग इसमें आपका हैबिटेट आइसोलेशन जो पढ़ा आपने बिहेवियरल आइसोलेशन टेम्पोरल आइसोलेशन अगर ये सब मान लीजिए इसको इग्नोर भी कर दें मैटिंग हो गई इसके बाद भी तो क्या होगा आपका जो है मैकेनिकल आइसोलेशन मतलब जो रिपोर्डक्टिव स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल नहीं होंगे कि वो फर्टिलाइज़ हो सके स्पोम का ओवा से और दूसरा गैमेटिक आइसोलेशन जो गैमेट हैं वो आपके डिफरेंट टाइम में रिलीज़ होते हैं ये सब आपके होंगे और अगर ये दोनों कंडीशंस भी पॉसिबल हो गई इग्नोर हो गई तो फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया तो क्या हो गया फिर पोस्ट जाइोटिक बैरियर्स भी आ जाएंगे बीच में पोस्ट जाइोटिक बैरियर्स में क्या होगा रिड्यूस हाइब्रिड वीएबिलिटी ठीक है रिड्यूस हाइब्रिड फर्टिलिटी मतलब स्टराइल होगा एंड लास्ट में अगर जो है फर्टाइल हो भी गया हाइब्रिड तो उसकी जो सेकेंड जनरेशन है वो क्या होगी वो फर्टाइल नहीं होगी वो स्टराइल होगी मतलब वो आगे जनरेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो दीज आर द दिएबल एंड फर्टाइल ऑफ ओके तो ये आपका हो गया जो है पूरा समेराइज फॉर्म है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का तो ये पूरा मैकेनिज्म आपका हो गया क्लियर ओके okay. तो मेनली आपका जो ये टॉपिक है यूनिट फोर का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये सारे एग्जाम्पल्स थे इसको आप सबको मेंशन करेंगे ठीक है यहाँ पे आपका और इसमें जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में अब आपको क्लियर हो गया ये बात कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब जो डिफरेंट स्पेसीज है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हैं क्योंकि मतलब उनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है मैटिंग पॉसिबल नहीं है ओके मैटिंग क्या और यह वो पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए इसको बोलते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या इसे हम बोल सकते हैं ओनली आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसी यूनिट के ही दो टॉपिक हैं फाइलोजेंटिक एंड बायलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इसको पढ़ेंगे और दूसरा क्या है टाइप्स ऑफ स्पेशिएशन एलोपैट्रिक सिम्पैट्रिक और पैरापैट्रिक इसको आपको पढ़ना है ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओके थैंक यू